आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में, जहाँ पे जो है आज हम पढ़ेंगे उर्दू कवायद और इंशा इश्तारे के बारे में। हसरत मोहानी की गज़ल में दर्ज मतले पढ़ें और गौर कीजिए, और इन्हें महबूब की तारीफ़ के लिए किया गया अल्फाज का इस्तेमाल किया। रोशन जवान यार से अंजुमन तमाम, देखा हुआ है आतिश गुल में चमन तमाम। तो इसमें जो इस्तियारा है वो उसको समझ, दूसरे मिसे में आतिश गुल इस्तेमाल, आतिश गुल से मुराद है दहकता हुआ फूल, ये बहुत खूबसूरत फूल है। शायर ने इसमें से मैं नहीं कहा उसके महबूब का उसने आतिश गुल के मान, उसने सिर्फ आतिश गुल का, और हमने समझ लिया इसका मतलब है दहकता हुआ फूल नहीं बल्कि जमाल यार यानी महबूब, यानी लफ्ज़ को अपने असल माने के बजाय मिजाजी मानों में इस्तेमाल किया गया। वो लफ्ज़ जो अपने असल माने के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मानी में तजबिया का ताल्लुक हो, उसे इस्तियारा कहते हैं। इस्तियारा लफ्ज़ मुस्तार से मना है जिसके मानी उधार लें, इसीलिए अल्फाज इस्तियारे में लफ्ज़ अपने लफ्ज़ी मानी के बजाय किसी और मानी में इस्तेमाल होता है। अलबत्ता दोनों लफ्ज़ों के माबेन किसी खसूसियात की बिना पर तजबिया का ताल्लुक ज़रूर पाए। इस्तियारे और तजबिया में गहरा ताल्लुक, तजबियाई की तरह इस्तियारा में मुशब्बा और मुशब्बा होते हैं, ताहम इस्तियारे में मुशब्बा को मुस्तार ला और मुशब्बा बा को मुस्तार मीना कहते हैं। इन दोनों में माबेन एक बुनियादी फ़र्क ये है कि तजबिया में किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ जैसा बताया जाता है और उसके इजहार के लिए हर्फ तजबिया यानी जैसा की तरह मानिंद वगैरह इस्तेमाल होता है, जैसा कि इस्तियारे में ये अल्फाज नहीं होते। नीचे दिए गए मिसालों देखकर ये फ़र्क वाजिब, ये तजबिया जैद रस्तम की तरह है, जैद रस्तम है, अहमद फरिश्ते जैसा, अहमद फरिश्ता है, शकीला चांद के मानिंदे, शकीला चांद है। आम तौर पर इस्तियारे में सिर्फ मुस्तार मुँह का जिक्र किया जाता है, उसमें मुस्तार ला होता है। सीधे साधे अंदाज में इस बात को यूँ समझें कि इस्तियारे में जिस चीज़ से तजबी दी जाती है सिर्फ उसी का जिक्र कर देते हैं, उससे मुराद चीज़ होती है तजबी दी गई। मिसाल के तौर पर मसनवी सेहरुल बयान में जब शहजादा बे नज़ीर की को भरी छत से उठा ले जाता है तो बादशाह की रद्दअमल इस तरह जाए, कहाँ शेह ने वहाँ का मुझे दोपत्ता, अजीज़ो जहाँ से वो यूसुफ गया। यूसुफ जैसे बेनज़ीर कहा गया, सिर्फ यूसुफ कहने से ही हम नहीं समझ रहे ये बेनज़ीर का इस्तियारा है। ठीक है, तो ये जो है इस्तियार की तारीफ है। इस्तियार को आप इस लाइन से भी समझ सकते हैं जो जहाँ पर सलमानी की जगह, जैसे मैंने कहा भाई, जैसे कहा गया वो शेर जैसा आ रहा है तो ये तजबी, मैंने कहा वो शेर आ रहा है तो जैसे को हटा के डायरेक्ट उसे शेर कर दिया, तो यहाँ पे यानी कोई बहादुरी आ रहा है। तो ये सारी जो है इस्तियारे की, इसमें उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे इस्तियारा किसे कहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।